अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ का क्या रहेगा गाइस, कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कह रहा है जैसे कोई सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये कोई सर्कल बनाया मैंने, कह रहा है इसमें कोई मान लो अब जो डायमीटर है वो तो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जो दो हमने डायमीटर बनाया, ठीक है, कुछ सर्कल पे, कह रहे हैं वो प्रूव करो कि वो पैरेलल है, डायमीटर के अक्रॉस बनाया, मतलब ये एक डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, मतलब यहाँ एक कोना डायमीटर का ये, एक कोना डायमीटर का है, इसके अक्रॉस डायमीटर कैसे बनेंगे, वो पैरेलल वो टेंजेंट्स कैसे बनेंगे। डायमीटर के अक्रॉस हमेशा टेंजेंट्स स्ट्रेट बनते हैं, ठीक है, ऐसे ये डायमीटर है तो इसके भी अक्रॉस ऐसे स्ट्रेट बन जाएंगे, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स बना दिए मैंने, ठीक है, तो इनको प्रूव करना है पैरेलल। अब पैरेलल कैसे प्रूव होंगे, अब गाइस आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे ये कोई लाइन दो पैरेलल है, ठीक है, ये दो कोई लाइन पैरेलल है, उसके बीच में ऐसे कोई ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होता है, ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होता है, ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होता है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है। जब भी हमारी लाइन पैरेलल दी होती है, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, जब हमें बोला हो ए बी पैरेलल सी डी, तो फिर हम बोलेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, रीजन लिखेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। पर अब इसका उल्टा भी हमारा एप्लीकेबल है, जब हमें एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दिया हो, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर दिया हो, तो फिर हम क्या करेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हो जैसे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर है, ठीक है, तो प्रूव करो ए बी पैरेलल सी डी है, तो फिर हम लिखेंगे ये हमारा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हैंस लाइन हमारी पैरेलल है, ठीक है। इसका उल्टा भी एप्लीकेबल है और डायरेक्ट भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा हुआ है, ठीक है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी डी, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल कैसे प्रूव करूंगा मैं, देखो भी ये सेंटर है हमारा ओ, ठीक है, अब मुझे पता है सेंटर से जब भी कोई लाइन जाती है ना, सेंटर से कोई लाइन जाती है टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ, वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, तो मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाले सेंटर से यहाँ पे लाइन जा रही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ, तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है पूरा एंगल, ठीक है, तो हमारा अब ये देखो इस फिगर को आप सीधी ऐसे करके देखोगे, ये देखो इस फिगर को अगर आप ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके देखोगे, तो देखो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर है, तो हम कहेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हैंस लाइन इज पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। तो हम देखो मैं करूँगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल वन कोमा एंगल टू कोमा एंगल थ्री कोमा एंगल फोर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वही देंगे कि हमारी टेंजेंट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, थ्योरम 10.1 जो हमारी कहती है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अब चाहे फिगर को ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये हमारा एंगल थ्री है, ये टू है, ये फोर है, ये वन है, ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये हमारे क्या है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्यों है, देखो ये हमारी बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, ये और ये हमारी लाइन है और इसके बीच में ये वाली ट्रांस, जैसे इसके बीच में ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही थी, इसमें ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है, तो हम कहेंगे हैंस हैंस ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल सी डी, दैट्स इट, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, बस यही हमारा क्वेश्चन फोर्थ और कुछ है ही नहीं, बस ये हमें चार पॉइंट्स पांच पॉइंट्स लिखने हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, ठीक है, जो मैंने आपको
इसका बेसिक पता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, तो बस आपको ये आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।